मैम बॉडी का वो पता नहीं। Will join your hands and close your eyes. Today we will do Sanskrit prayer Vakratunda Mahakarya. Okay, Ganpati Shloka we will do. Vakratunda Mahakarya Surya Koti Samar Prabha निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा नाउ स्लोली ओपन योर आईज स्लोली फास्ट 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 Touch your eyes, face, neck, body. How do you feel? Hot, hot. Once again, slowly, 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 slowly. Fast, 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 fast. Touch your eyes, face, neck, body. How do you feel? Hot, hot, very nice. Okay, तो as I told you yesterday कि आज हम क्या करने वाले हैं? किसी को याद है मैम ने क्या कहा था कल? हम कुछ करने वाले थे आज. Story. Yes, story सुनने वाले थे. पर उसके पहले हम गेम खेले. Shall we play a game? ओके चलो आप करो. वेरी गुड. ठीक है चलो. वन टू थ्री फोर फाइव. वंस आई कॉट द फिश अलाइव. मतलब वन टू थ्री फोर फाइव मैंने एक बार फिश पकड़ी. सिक्स सेवन एट नाइन टेन. देन आई लेट इट गो अवे. मतलब मैंने पहले फिश को पकड़ा फिर उसको मैंने छोड़ दिया. व्हाई डिड यू लेट इट गो. उसको क्यों जाने दिया फिश को पकड़ी थी तो? बिकॉज इट बिट माई फिंगर. सो क्या बोल रहा है राइट में क्या कह रहा है वो कि उन्होंने क्यों छोड़ दी फिश को? क्योंकि फिश ने उसको काट लिया. बिट मतलब काटना. विच फिंगर डिड इट बाइट. कौन सी फिंगर पे काटा? A little finger on my right. This is your little finger. A little finger on my right. Okay. Again, ma'am will repeat. One, two, three, four, five. Once I caught the fish alive. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? A little finger on my right. Okay, आपको राइम समझ में आई? वो बॉय जो है वो गर्ल जो है ना उसने क्या किया? उसने समझ इज ओके बिकॉज मैम रिवाइज करवा ही रही है. ये तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव टोल्ड टू ओपन द बुक. इफ यू डोंट हैव विथ यू इट्स ओके. ओके तो इसमें ये गर्ल फिश पकड़ने गई. उसने फिश को पकड़ा पर फिश ने क्या किया? फिश ने उस गर्ल को बाइट कर दिया और उसे क्या किया? इसलिए उसको छोड़ दिया पानी में. तो फिर बोला व्हाई डिड यू लेट इट गो. तो गर्ल ने बोला कि उसने मुझे बाइट कर दिया. कौन से फिंगर पे बाइट किया? अ लिटल फिंगर ऑन माय राइट. छोटी सी फिंगर है उस पे बाइट कर दी. ओके अब मैम एक एक लाइन बोलेगी और आप मैम के साथ रिपीट करोगे. और राइम्स में पता है हम क्या करेंगे? हमें एक्शन भी करनी है राइम्स में. ओके विदाउट एक्शन है ना राइम्स अच्छी नहीं लगती है. ठीक है तो हम एक्शन भी करेंगे और राइम्स भी गाएंगे और आप मैम के साथ रिपीट करोगे. ओके चलो.
One, two, three, four, five. Come on. One, two, three, four, five. Once I caught the fish alive. Once I caught the fish alive. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. Then I let it go again. Why did you let it go? Why did you let it go? Because it bit my finger so. Because it bit my finger so. Which finger did it bite? Which finger did it bite? A little finger on my right. The little finger on my right. Okay. आपको राइम्स है ना एकदम से तुरंत नहीं आएंगी. We will revise it again and again. तो आपको ये सारी राइम्स अच्छे से आ जाएगी. ठीक है, आज हम लोग एक एक बार करेंगे, फिर बीच बीच में जैसे भी हमें टाइम मिलेगा ना, वी विल रिवाइज ऑल दिस राइम अगेन एंड अगेन. ओके, सो डोंट वरी, आपको सारी राइम्स आ जाएंगी. वापस हम और एक बार करते हैं, ठीक है, और फिर हम दूसरी राइम पे जाएंगे. चलो अगेन, हाँ, वी विल स्टार्ट. वन टू थ्री फोर फाइव. One, two, three, four, five. Once I caught the fish alive. तो आपको आ जाएगा, ठीक है? मैम है ना यहाँ पे, मैम करवाएगी आपको, तो आपको रोली पोली भी आ जाएगा. ठीक है, चलो तो अब पहले हम रोली पोली करते हैं, फिर नेक्स्ट राइम पे जाते हैं. ओके, ओके. रोली पोली, रोली पोली, अप अप अप. रोली पोली, रोली पोली, down down down. Roly poly, roly poly, up up up. Roly poly, roly poly, down down down. Up, we will move to the next rhyme. Next rhyme is hot cross bun. And hot cross bun ke liye आपको निकालनी पड़ेगा विंग्स की कोर्स बुक. विंग्स की कोर्स बुक में है जो नंबर राइम्स होती है ना, नंबर के रिलेटेड, वो आपको ब्लॉसम में मिलेगा, और बाकी सारी राइम्स जो है ना, वो आपको विंग्स की कोर्स बुक में मिलेगी. ठीक है, सो नाउ इन विंग्स कोर्स बुक पेज नंबर सिक्स, पेज नंबर सिक्स पे आपको मिलेगी हॉट क्रॉस बंस वाली राइम. ओके, एंड डोंट वरी, अगर आपको राइम्स नहीं आती है, वी विल प्रैक्टिस इट रेगुलरली, तो आपको सारी राइम्स अच्छे से आ जाएगी. ठीक है, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद द राइम. हॉट क्रॉस बंस, अभी आप सिर्फ सुनोगे. ठीक है, hot cross buns, page number 7. Okay, 6, sorry. One a penny, two a penny, hot cross buns, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. Yes beta, main aisa kar, yes ye main aisa kar rahi hu ke ye wali. Ha beta, wo wali. In that page number 6. Okay. If you have no daughters, give them to your sons. One a penny, two a penny, hot cross buns. Matlab, can you see a person is selling hot buns? To usko hot cross buns bola hai. Kyunki usme aap bun pe dekhoge cross lagaya hai aur garam garam hai. So hot cross buns, one a penny, two a penny. Penny matlab, it's a type of rupee.
one a penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, अगर आपके घर पे लड़कियां नहीं है, daughters नहीं है, give them to your sons. आपके लड़कों को दो, बच्चों को दो, ठीक है? One a penny, two a penny, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. Okay? So once again, you all will repeat with me, okay? Come on. Hot cross buns. Come on. Hot cross buns. Hot cross buns. Hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, if you have no daughters, give them to your sons. Give them to your sons. One a penny, two a penny, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. Okay? वापस करें हम लोग ये वाली rhymes वापस repeat करते हैं, ठीक है? Hot cross buns, hot cross buns. One a penny, two a... Everyone will do action and repeat rhymes with me, okay? आपको learn करनी है ना? Yes or no? Do you want to learn the rhymes? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay, so you all will do action and repeat with me, okay? आपको मुझे पता अभी आपको नहीं आ रही है rhymes, है ना? पर आप थोड़ा-थोड़ा ma'am के साथ repeat तो कर सकते हो ना? और action भी कर सकते हो, right? Come on. Hot cross buns. Hot cross buns. One... A penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, if you have no daughters, give them to your sons. Give them to your sons. One a penny, two a penny, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. Okay. और अब तो पुसीकेट वाली है राइम. उसके नीचे ही है डिंग डोंग बेल. Okay. तो हम ये वाली राइम्स करेंगे. उसके बाद हम स्टोरी सुनेंगे. Okay. Come on. पहले आप सिर्फ सुनोगे, ठीक है? डिंग डोंग बेल. Ding dong bell, pussy in the well, pussy in the well. Who put her in? Who put her in? Little Tommy Thin, little Tommy Thin. Who pulled her out? Who pulled her out? Little Tommy Stout. Little Tommy Stout. Stout मतलब मोटा. Thin मतलब पतला. What a naughty boy was that? वो लड़का कितना बदमाश है. उसने क्या किया? Who drowned poor pussycat? जिसने pussycat को well में डाल दिया. Well में ऐसे छोड़ दिया. है ना? तो ये story ऐसी है. Ding, rhyme में क्या है? Ding, dong, bell. Pussy in the well. Pussy कहाँ है? Well के अंदर. कुआ. Well मतलब कुआ. Who put her in? किसने रखा उसको well के अंदर? Little Tommy Thin. Little Tommy कैसा था? Thin था. Who pulled her out? Who pulled her out? Little Tommy Stout. Stout मतलब मोटा. What a naughty boy was that? Who drowned poor pussycat? Okay, अब आप सब लोग मैम के साथ रिपीट करोगे? Yes, everyone? Okay, चलो. Ding dong bell. Ding dong bell. Ditya? Ditya, आपको rhymes नहीं पसंद है बेटा?
या मेरे साथ करेगी ना एक्शन के साथ, है ना? ओके. डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन. ऋत्वी कम ऑन. लिटिल टॉमी थीन, आरुष, विराज. Little Tommy thing, who pulled her out? Sanvi. Little Tommy stout. What a naughty boy was that? Who drowned poor pussycat? ओके अब ये राइम्स है ना हम बीच बीच में भी करेंगे. ओके एवरी डे या वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, जब भी टाइम मिलेगा वी विल रिवाइज ऑल दिस राइम्स. अब आपको मैम है ना एक स्टोरी बताइए, आपको सुननी है ना स्टोरी? स्टोरी सुननी है सबको? शो मी थम्स अप इफ यस. Yes, so our story में क्या है? Kindness के related है. What is kindness? Kindness मतलब हमें सबके प्रति, सबके लिए हमें दया रखनी चाहिए. Okay? उसको कहते हैं kindness. To show someone our gesture. हमारा ऐसा gesture होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, किसी को help कर रहे हैं. Okay? We should respect. This all are the parts of kindness. Okay. तो हम उसके related एक story सुनेंगे. ठीक है? तो मैम है ना screen share कर रही है. और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कोई भी problem है, तो please write it in a chat box. Okay? So that I can come to know. साधु की दयालुता. बहुत पुरानी बात है, नदी किनारे एक साधु का आश्रम था. वे रोज सुबह सवेरे नदी में स्नान करने जाते थे. एक दिन साधु ने नहाते समय एक बिच्छू को देखा और अपने मन में विचार किया, यह बिच्छू तो डूब जाएगा, मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए ताकि इसके प्राण बच जाएं। साधु ने बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालना चाहा, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया, जिससे वह फिर नदी में गिर गया। उफ! साधु ने फिर डूबते हुए बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने फिर उन्हें डंक मारा, परंतु साधु ने उसे नदी से बाहर रख दिया। बस कुछ पल और मित्र, फिर तुम सुरक्षित हो जाओगे। अब तुम सुरक्षित हो, जाओ स्वतंत्र विचरण करो। नदी के किनारे खड़े व्यक्तियों ने कौतूहल से यह सब देखा और उन्होंने एक दूसरे से आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ये कैसे साधु हैं जिन्होंने उस बिच्छू के प्राण बचाए जिसने उन्हें बार बार टंक मारा? आखिर उन्होंने साधु से पूछा, महाराज आपने बिच्छू के प्राण क्यों बचाए जबकि उसने बार बार आपको डंक मारा? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुनो भाई, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और जीवों पर दया करना और उन्हें बचाना मनुष्य का स्वभाव है। मैंने इसलिए डंक मारने की परवाह न करके इसे बचाकर अपने मानव धर्म का पालन किया। So was it audible? सबको सुनाई दिया? स्टोरी पूरी सुनी सबने?
ओके ओके, तो स्टोरी में क्या था? स्टोरी में एक साधु था, वो रोज नदी में नहाने जाता था, राइट? तो व्हेन ही गोज टू द रिवर वन डे, व्हाट ही सॉ, उसे क्या देखा? बिच्छू, मतलब क्रैब। तो उसको लगा कि ये तो डूब जाएगा क्रैब, तो उसने क्या किया, उसको उठाना चाहा और उसको साइड पे, मतलब लैंड पे रखने के लिए सोचा। तो जैसे ही वो बिच्छू को उठाने गया तो बिच्छू ने उसको काट लिया, बाइट कर दिया, तो वापस उसके हाथ से वो छूट गया। वापस साधु ने क्या किया, अगेन उसने वो बिच्छू को पकड़ा और उसको लेके वापस उसको बाइट किया, फिर भी साधु ने उसको उठा के जमीन पे रख दिया। क्यों जमीन पे रखा? जमीन पे रखा तो वो बच जाएगा, अगर पानी में हो रहता तो वो मर जाता, इसलिए उसको जमीन पे रख दिया। तो वहां पे गांव में जो दूसरे लोग थे ना, उन्होंने देखा कि ये बिच्छू साधु को काट रहा था, फिर भी उसने उसको बचाया। तो साधु ने क्या कहा, साधु ने अपनी दयालुता बताई, अपनी काइंडनेस शो की। उसने कहा कि काटना वो बिच्छू की आदत है, राइट? बिच्छू क्या करता है, वो कहीं भी अगर कोई भी बैठा है तो वो उसको काट लेगा, पर उसकी जान बचाना, लोगों की जान बचाना, एनिमल्स इंसेक्ट उनकी जान बचाना वो हमारा काम है। तो भले उसने मुझे काटा पर मैंने अपना काम किया और उसको बचा लिया, ठीक है? तो काइंडनेस मतलब हमें भी, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग मम्मा उठ के आपको दूध देती है, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है ना, फिर अच्छा अच्छा खाना बनाती है, राइट? मम्मा आपके कपड़े आयरन करती है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, आपके लिए खिलौने लाते हैं, राइट? सो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ काइंडनेस, टू शो योर काइंडनेस। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप काइंडनेस शो कर सकते हो। फिर अगर कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, अगर उसको चोट लगी होती हो और आप अगर उसको अच्छे से उसको केयर करोगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काइंडनेस। पुअर पीपल की हेल्प करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइंडनेस। ओके, यू शुड ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल, उनको खाना देना, ओके? फिर आपके पास पुराने टॉयज है, पुराने कपड़े है, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पुअर पीपल में, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ काइंडनेस, ओके? फिर यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपके जो भी बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जो कहते हैं आपके अच्छे के लिए कहते हैं, राइट? सो यू शुड ऑलवेज लिसन टू देम, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। फिर और क्या काइंडनेस होता है, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, व्हेन समबडी कम्स एट योर होम, यू शुड, व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज स्माइल टू देम। क्या बेटा? पानी दिया था किसको? अरे वाह, वेरी गुड, सो यू हैव शोन योर काइंडनेस, ओके? तो वेरी गुड प्रिया। तो फिर अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आपको स्माइल के साथ उनको इनवाइट करना, वेलकम करना चाहिए, राइट? फिर आपके फ्रेंड्स के साथ फूड शेयर करना चाहिए। अभी तो आपको अपने फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, पर जब भी आप स्कूल आओगे तो आप जब भी अपने घर से ब्रंच लाओगे, यू विल शेयर फूड विथ योर फ्रेंड्स। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ फूड शेयर करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जैसे आपके पास चॉकलेट है तो आप क्या करोगे, यू विल शेयर इट विथ योर सिस्टर्स, विथ योर ब्रदर, विथ योर मॉम और डैड, राइट? तो यू शुड ऑलवेज शेयर योर थिंग्स। आदित्य, यू ऑल्सो शेयर थिंग्स। हाँ प्राणी, शेयरिंग इज केयरिंग, यस, वेरी गुड। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है? ये सारी काइंडनेस के टाइप्स है, आप हर एक तरह से आप जो भी चाहो वो हेल्प आप कर सकते हो, राइट? क्या यश,
दीदी के साथ है ना पेपर बोट भी शेयर किया था। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आप सब लोग काइंडनेस। हाँ रुद्रा, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। आयुक्ता भी करती है काइंडनेस शो कर। हाँ यशवी, वेरी गुड। शेयरिंग की है, चॉकलेट है, तत्त्व है, रिंडी टैरिंग। अरे वाह, वेरी गुड कियांश। ओके यशवी, रित्वी, रित्वी शेयर करती है थिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ, मम्मा के साथ। अरे वाह, दूध। हाँ, दूध पीना मतलब मम्मा की, मम्मा बोल रही है वो आप कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो योर काइंडनेस। ओके दे, वेरी गुड, वेरी गुड धीर, वेरी गुड। अच्छा रित्वी, रित्वी, रित्वी अनम्यूट करो, तो रित्वी अनम्यूट करो। रित्वी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? अब से आप करोगे शेयर? शेयर करना अच्छी बात होती है। आपके फ्रेंड ने बताया ना, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब आप केयर करते हो आपके। और पता है दूसरी कैसे कर सकते हो आप? अगर काउ होती है, काउ को अगर आप खाना दोगे, रोटी दोगे, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंडनेस। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके ओके, रित्वी म्यूट कर दो। हेलो रुद्र, रुद्र एनिमल को फूड देते हो? रुद्र आप देते हो? है ना, हाँ। फिर ग्रास, काउ तो ग्रास भी खाती है ना, वो आप दे सकते हो। एंड फिर अगर आपके पास बिल्ली हो आसपास में, तो आप बिल्ली को दूध